अगर आप भी अपने कपल को किस करने जा रहे हैं या फिर अगर आप भी अपने कपल को किस करना चाहते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि किस करने से कई तरीके के संक्रामक रोग आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आपको बीमार बना सकते हैं। इन सभी रोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं गाज़ियाबाद के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी। देखिए, जितना भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है या फेफड़े में जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें निमोनिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है या जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, अगर उसको जो हमारा पार्टनर है उसको ये परेशानी है तो दूसरे पार्टनर को किसके जरिए ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एड्स है या सिफिलिस है, या उसके साथ साथ जो अदर वायरल इलनेसेस होती हैं वो अगर हम डीप किस करते हैं और थोड़ा सा कहीं एब्रेजन होता है या हल्का सा छिलता है हमारे होंठ में तो उसके थ्रू वो स्प्रेड हो सकती हैं। और जो एक सबसे खतरनाक बीमारी आजकल है जो हम पेट अपने साथ रखते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा है कि उसको इम्यूनाइज नहीं किया है और उसमें कोई रेबीज के वायरस हैं और वो अगर उसके किस करने से, पेट के किस करने से उसमें आ जाते हैं तो वो अपने पार्टनर को ये रेबीज के वायरस दे सकते हैं। ये जो बीमारियां हैं ये सब घातक बीमारियां होती हैं, इसलिए जब हम किस करते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि क्या हमारा पार्टनर बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई इस तरह की परेशानी तो नहीं है। क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं या फिर इनके सिम्टम्स कब पता लगते हैं आफ्टर केस? इसमें देखिए, जितने भी ये अभी मैंने इन्फेक्शन बताए हैं वो एक हफ्ते के अंदर उनके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और एक हफ्ते में हमें हर्पीज जैसे है इमीडिएटली हमें पता लग जाता है कि कुछ छाले बन जाते हैं होंठ के आसपास या हमारी स्किन पे, जो और वायरल इन्फेक्शन है उनका एक हफ्ते का ड्यूरेशन होता है, एक हफ्ते में हमें ये पता लग जाता है कि बीमारी हमें कहाँ से लगी है। तो एक हफ्ते का जो पीरियड है 8 से 10 दिन का, उसको हम मानते हैं कि उसमें हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि बीमारी हमें किस करने से लगी।